कोविड-19 ने कई तरीके से लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरेस्ट पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो उन्हें ब्याज आता है उसी से उनका घर चलता है। एक लंबी और यूं कहें कि एक मोटी रकम का हिस्सा जो है यहाँ पर लोग निवेश के तौर पर अपनाते हैं, और सिर्फ निवेश ही नहीं, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट स्कीम हो, चाहे वो PPF हो, इन सभी चीज़ों से लोगों का घर चलता है। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं, यानी कि सीनियर सिटीजन हैं, जिनके घर की कमाई जो है वो इसी ब्याज दरों से आती है। और अगर ब्याज दर कम, यानी कि आपकी जो डिस्पेंसिबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम है, वो कम हो जाती है। बहुत सारे सीनियर सिटीजन आश्रित रहते हैं, यानी ब्याज की जो रकम है उससे उनका घर भी चलता है, और साथ ही जो वो रकम अपनी दवाइयों पर खर्च करते हैं वो भी इन ब्याज दरों से ही आती है। ऐसे में जब RBI ने ऐलान किया कि 75 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जाएगी इंटरेस्ट रेट्स पे, तो जाहिर तौर पर इसका प्रभाव पड़ना था ब्याज दरों पे। एक एक करके हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि कौन से सेविंग स्कीम पर कितनी ब्याज दर का फर्क आया है। सबसे पहले बात करेंगे टर्म डिपॉजिट की। 7.7% पहले ब्याज दर मिलती थी, अब 6.7% ब्याज दर मिलेगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 8.6% ब्याज दर थी, अब वो घटकर 7.4% रह गई है। वहीं नेशनल सेविंग सर्वे यानी कि NSE की बात कर लें तो 7.9% की जगह अब सिर्फ 6.7% की दर से ही ब्याज यहां पर मिलेगा। और PPF पर जहां पर 7.9% ब्याज मिलता था, अब 7.1% ब्याज मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें पहले 8.4% की दर से ब्याज मिलता था, अब 7.6% की दर से ब्याज मिलेगा। वहीं किसान विकास पत्र KVP जिसे हम कहते हैं, 7.6% की ब्याज दर अब घटकर यहां पर 6.9% की ब्याज दर रह गई। यानी कि मोटे तौर पर अगर देखें तो हर स्मॉल टर्म या फिर लॉन्ग टर्म की जो ये डिपॉजिट स्कीम है, इस पर तकरीबन 1% की ब्याज दर कम कर दी गई है। यानी कि जो लोग पहले अलग अलग स्कीम्स में निवेश करते थे और ये मानते थे कि उस ब्याज दर से वो काफ़ी कुछ अपना खर्च निकाल सकते हैं घर का, अब उन्हें इसे रिवाइज करना पड़ेगा। अब उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि कहाँ उन्हें ज़्यादा ब्याज दर मिल रही है, तो वो अपने फंड डाइवर्ट कर देंगे उस जगह पर जहाँ पर ब्याज दर उन्हें ज़्यादा मिल रही है। अभी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बैंकों ने ब्याज दर में कमी इसलिए की है क्योंकि RBI ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कटौती की थी। यानी कि जो EMI पहले आपको अपने लोन्स पर चुकानी पड़ती थी, उस EMI में कमी कर दी गई है। तो अगर कमी की गई है, यानी कि बैंकों की इनकम कम हो गई है, और अगर इनकम कम हो गई है तो ये पैसा अब बैंक कैसे लाएंगे? जाहिर तौर पर इसका बैलेंस आपको दिए जाने वाली जो ब्याज दर थी उसी से चुकाया जाएगा, और यही वो बैलेंस किया जा रहा है सरकार की तरफ से, RBI की तरफ से, कि बैंकों में पैसा का इनफ्लो और आउटफ्लो बना रहे, ताकि जो आपको 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड भी दिया जा रहा है। मॉरेटोरियम पीरियड समझाने की आपको कोशिश कर देते हैं। मॉरेटोरियम पीरियड ये है कि आपको 3 महीने तक किसी भी तरीके के लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, घर का लोन हो, कोई भी लोन हो, उस पर आपको 3 महीने तक कोई भी ब्याज दर नहीं देनी है। ऐसे में बैंकों के पास पैसा आएगा तो आएगा कहाँ से? यही वजह है कि अब तकरीबन 1% ब्याज दर हर तरह की स्कीम, हर तरह के फंड से कम कर दी गई है। यानी कि वो लोग जो पहले इन अलग स्कीम्स में अपना पैसा लगाते थे, अब उन्हें एक बार फिर से सोचने और समझने की ज़रूरत है कि अब उनकी जो कमाई है उसमें कमी होने वाली है जाहिर तौर पर, तो अब बैंक डिपॉजिट करना चाहिए या फिर PPF में पैसे रखने चाहिए। अगर घर में 10 साल से कम की लड़की है तो सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा लगाना चाहिए, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में लगाना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं दरअसल एक बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा जो अपने पैसे को सेफ रखना चाहते हैं। यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश नहीं करते क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई फिक्स इनकम नहीं होती, वो प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना चाहते क्योंकि फिर से आपको यही आशंका मन में रहती है कि कहीं आपने यहाँ पर पैसा लगाया तो आपका पैसा डूब ना जाए, वो शेयर बाजार से भी बचते हैं। ऐसे में वो सिर्फ इन गवर्नमेंट यानी कि इन सरकारी स्कीम्स पर आश्रित रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस वक्त एक बड़ा झटका है ब्याज दरों के लिहाज से।